चल बेटी। शीतल तू घर जा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। मान लो जो कुछ भी अंदर हुआ मैंने सब सुन लिया, पर तूने बिल्कुल ठीक किया। चल मेरे घर चल। नहीं शीतल, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। I'll manage। क्यों मेरा घर नहीं है? हाँ आंटी जी प्लीज चलिए ना मेरे घर। शीतल प्लीज, आई डोंट वांट लिसन टू यू। प्लीज आंटी जी। अरे इतनी देर कहाँ लगाई? तेरे बाबा कब से तेरी राह देख रहे हैं? माँ अब क्या यही खड़ी रहेगी? अरे चल अंदर चल, तेरा खाना ढककर रखा है मैंने, चल। बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मेहमानों को क्या ऐसे ही बाहर खड़ा करोगी? आओ ना मालविका, आइए बहन जी आइए। बाबा इन्हें कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ यहाँ ले आई। ये यहीं रहेंगे। बेटा बात क्या है? मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ, फिलहाल तो इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना बाबा? बेटा मुझे क्या एतराज हो सकता है? इनके लिए तुम कुणाल का कमरा खाली करवा दो जी, और आज तुम कुणाल को अपने पास सुला लेना। ओके। चल मानो आई आंटी। इतनी रात को ये लोग यहां? थैंक्स बाबा, थैंक यू मां। ठीक है बेटा। बाबूजी की याद आ रही है? नहीं, तेरे बाबूजी से भी ज्यादा मुझे उस घर की याद आ रही है जहां मेरी माँ ने मुझे सिखा के भेजा था, बेटी इस घर से तेरी अर्थी जाएगी। हमारे जमाने में माँ अपनी बेटी को यही सिखाया करती थी। माँ क्या आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटी। आपको तो ये भी नहीं लगता कि बाबूजी ने कुछ गलत किया है? पता नहीं, क्योंकि मेरे बाबूजी भी ऐसा ही किया करते थे, और शायद उनके पिताजी ने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि मेरी माँ तो कभी
डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती थी। उनकी बदनसीबी तो ये थी कि मैं उनकी बेटी थी। बेटी, तूने जैसे अपने बाबूजी से मुझे आज बचाया ना, मैं अपने माँ को कभी नहीं बचा पाई। हमारे घर में तो लड़कों को कभी सिखाया नहीं जाता कि अपनी पत्नियों की कैसी इज्जत करना चाहिए। तेरे बाबूजी के लिए एक औरत के सामने झुकना बहुत मुश्किल है और अपने पत्नी के सामने तो बिल्कुल नामुमकिन। माँ, जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, उतना ही मैं बाबूजी से भी प्यार करती हूँ। और बाबूजी, उन्होंने तो एक पल में ही हमें पराया कर दिया। गुस्से में तो वो सिर्फ देखते हैं कि सामने वाले को कैसे घायल किया जाए। पहले बातों से, और बातों से नहीं बन पा रहा तो फिर हाथों से। तुम ये सब सहती हो माँ? इतने सालों से ये जो तुम सहती आई हो ना, इसीलिए बाबूजी आज माफी नहीं मांग रहे। और देखना बेटी, आज भी माफी नहीं मांगेंगे। माफी तो वो मांगेंगे, जरूर मांगेंगे, और मैं मंगवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मालविका के पिताजी ने उन्हें रोका नहीं घर छोड़ने से? नहीं। ताज्जुब है? नहीं मामा, वो ऐसे ही है, एक टिपिकल इंसान जो अपने वाइफ को मारने में विश्वास रखते हैं। नैना, ऐसा नहीं बोलते। तो क्या कहूँ मामा, तुम्हें पता है अंकल ने किस तरह आंटी को मारा है? मालविका कह रही थी कि आंटी के चेहरे पर उंगलियों के निशान तक आ गए थे। पता नहीं कब औरतों को इंसान का दर्जा मिलेगा। इसलिए तो मालविका निकल गई माँ को लेकर। अच्छा किया, लेकिन मालविका के पिताजी ने उन्हें रोक लेना चाहिए था। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि अकेलापन क्या होता है। अब पता चलेगा ना। घर में पहले ही खिलाने के लिए कुछ नहीं था, ऊपर से मालविका और उसकी माँ। आरती, वो लोग परेशानी में थे, अपना समझकर आ गए हैं तो ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, अपनों को छोड़कर पराए लोगों के यहाँ अपनेपन से रहना ठीक नहीं है। अरे अरे क्या, अपने पति का घर छोड़ने की क्या जरूरत थी रेवती बहन को? आरती, कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, वरना इतनी रात को कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है। क्या पता, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चाहे जो प्रॉब्लम हो पर अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। अब क्या तुम 10 बार उसी बात को दोहराओगी? अरे कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, तभी तो रेवती बहन ने ऐसा कदम उठाया। इसे कहते हैं कि गरीबी में गीला आटा। घर में राशन खत्म हो गया है, हाथ में पैसे भी नहीं है। अरे तो बनिए से जाकर उधार ले आओ। मुझसे नहीं सही जाती उनकी नजरें, ऐसा लगता है कह रहे हैं कि मल्होत्रा खानदान के समधी बनने जा रहे थे, अब राशन भी उधार ले रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता, ये सब तुम्हारा वहम है। सोचने वाले क्या सोचते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, और तुम्हें सब पता है। अब क्या जरूरत है ये सोचने की कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं? अब जगह सही हो ही गई है तो सोचने दो दूसरों को जो उन्हें सोचना है। तुम क्यों परेशान होती हो? उससे परेशान नहीं हूं मैं, इन घर बैठे मेहमानों से परेशान हूं।
हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या मांग बैठे। हे भगवान, ऐसा दिन मत दिखाना कि मेहमानों को भूखा सुलाना पड़े। आरती नहीं दिखाएगा। तुम्हारा भगवान चाहे तुम्हारी तरफ ध्यान दे या न दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। रिश्ता? अरे वाह, तुम तो एकदम बेटी के बाप बन गया, फटाफट रिश्ते वगैरह लाने लग गए। अरुणा की पहचान का एक लड़का है। नहीं, मैं ऐसे किसी भी लड़के को नहीं मिलना चाहती जो उस घर से किसी भी व्यक्ति को जानता हो। ये क्या बचपना है इसने? जो चाहे कह लो, पर इस मामले में आई एम क्वाइट श्योर। तब तो क्या? नहीं, जिस लड़के की मैं बात कर रहा था वो पूर्वी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसका मतलब है अरुणा भी उसे जानती होगी। उस लड़के को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या पागलपन है इसने? अगर वो अरुणा को जानता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है बात की बात है। एनीवे, नैना के लिए लड़का मैं खुद ढूंढ लूंगी। अरे ढूंढ लेना, लेकिन एक बार इस लड़के से मिल लो। अच्छा लड़का है। अगर इतना अच्छा लड़का है तो पूर्वी की शादी उससे करा दो। हाँ जरूर कराता, लेकिन उसकी माँ पूर्वी का करियर बनाना चाहती है। देखो उसने, मैं नैना के लिए गलत रिश्ता नहीं लाऊंगा। मैं उसका बाप हूं, प्लीज। देखो जिद मत करो, मुझे उस लड़के से नहीं मिलना है। तुम अपनी जिद में एक अच्छा रिश्ता खो बैठोगी। मुझे मंजूर है। अरे लेकिन एक बार मिलने में क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, बाद में तुझे रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर देना बस। स्नेह, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे तुम्हें बाद में रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर देना, लेकिन एक बार तुम उससे मिल लो। अपनी जिद में तुम एक अच्छा लड़का खो बैठोगी। प्लीज एक बार मिल लो। ठीक है। मालो, हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? यही, इस तरह हमारा घर छोड़ के चले आना, इनके यहाँ पड़े रहना। हम और कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? क्यों माँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं बेटी, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमें अपने आप से भी तो कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हम कहाँ जाएंगे माँ, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। मैंने गंगा से कल अपना बक्सा मंगवाया है, उसमें 2-3 हज़ार रुपये तो निकल आएंगे। इतने पैसों में क्या होगा माँ, हम कहीं और नहीं जा सकते? हाँ जा सकते हैं बेटी, गांव जा सकते हैं। दादाजी का घर है ना? नहीं, वो भी बाबूजी का घर है, मैं नहीं जाना चाहती। क्या मालूम, बाबूजी का घर लगा रखा है। अरे उस घर पर मेरा भी कुछ अधिकार है, तेरा भी है। लेकिन वहां सम्मान कहाँ है माँ? एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं वो लोग आपको। और बाबूजी गंगा पर तो कभी हाथ नहीं उठाते, फिर आपको जब देखो तब मारते क्यों रहते? अब बहुत हो गया मालूम। माँ प्लीज, आप इतना जल्दी हार मत मानिए, ओके? मैं कोई जंग थोड़ी लड़ रही हूँ जो हार जीत से डरूं। लेकिन मैं लड़ रही हूँ, और हम तब तक उस घर में वापस नहीं जाएंगे जब तक बाबूजी आपसे माफी नहीं मांगे। तेरे बाबूजी माफी नहीं मांगेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता वो माफी मांगेंगे। मैं उनसे माफी मंगवा कर रहूंगी। क्यों जिद कर रही है तू? क्या उन्हें जबरदस्ती लाके मेरे कदमों में झुकाएगी? अगर वो खुद से मानते हैं तो ठीक है, वरना? वरना क्या? मुझे कानून का सहारा लेना होगा। मतलब तू पुलिस में कंप्लेन करेगी बाबूजी के खिलाफ? तू पागल हो गई है क्या? अगर तू इसी तरह सोचती रहे ना तो हमें नहीं रहना यहाँ, चल घर वापस चलते हैं। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। मालूम तू समझती क्यों नहीं? देख रही है ना हम लोग कैसे पराए घर में पड़े हैं, इसी इंतजार में कि कब तेरे बाबूजी आएंगे और हमको ले जाएंगे। लेकिन तेरे बाबूजी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम दोनों के लिए घर के बाहर टिक पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। और थोड़ा समय लगेगा माँ,
लेकिन मैं बाबूजी को उनकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहूंगी। मेरा तमाशा बनाकर? तमाशा? तू पुलिस में जाके कंप्लेन करेगी तो मेरा तमाशा नहीं बनेगा? नहीं तो तुम क्या चाहती हो माँ, हम वापस उस घर में चले जाएं और फिर तुम बाबूजी के हाथों पिटती रहो? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बताइए? मुझे डर सा लग रहा है। कैसा डर माँ? तू मेरी बात मानेगी क्या? बेटी तू पुलिस में कंप्लेन मत लिखा। ठीक है, नहीं करती, लेकिन फिर पता नहीं बाबूजी कब वापस आएंगे। बेटी वो आए या ना आए हम चलते हैं। नहीं माँ, आपको वापस जाना है तो जाइए, मैं नहीं आऊंगी। तू घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? मैं कुछ भी कर लूंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माँ का अपमान होता है। मालविका मेरी बच्ची इतनी जिद अच्छी नहीं। माँ प्लीज, तुम क्यों डर रही हो? पुलिस में कंप्लेन करने से बाबूजी अपनी गलती मान लेंगे और हम वापस चले जाएंगे। वो झुकेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। हाँ वो मुझे नहीं जानती, मैं उन्हीं की बेटी और उन्हें झुकाकर ही रहूं। कहीं तुम दोनों की जिद के बीच मेरा परिवार ना बिखर जाए। मम्मा तुम मेरी शादी के बाद अकेले क्या करोगी? अपना काम करूंगी और क्या। लेकिन मम्मा तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी ना। वो तो होना ही था ना। मम्मा तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मैं विक्रम से मिली, वो ऐसा निकला और आज हम दूसरे लड़के के बारे में सोचने लगे। ऐसा ही होता है। नैना तुमने कभी घड़ी की तरफ ठीक तरह से देखा है? घड़ी हमेशा चलती रहती है, टिक 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 टिक, रुकने के लिए उसके पास कभी फुर्सत ही नहीं होती। और हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि कब हम एक घंटे से दूसरे घंटे में और एक दिन से दूसरे दिन में चले गए। पता है क्यों? क्योंकि हमारा मन कभी भविष्य में जाना ही नहीं चाहता, हमेशा वही पुरानी खूबसूरत घड़ियों को पकड़कर बैठ जाता है और फिर हम हमेशा कहने लगते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मम्मा हम शादी के लिए कुछ दिन और नहीं रुक सकते? रुक सकते हैं, पर क्यों? नहीं मेरा मतलब यह है कि अभी मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ इसलिए। बेटा वो तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस शादी से इनकार तो नहीं है ना? नहीं बस कुछ दिन और रुकने के लिए कह रही थी। नैना अभी तो बस लड़का ही देखा जा रहा है, तुम्हारे पसंद के बगैर कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसी बात का तो डर है, एक बार मेरी पसंद कैसे मार खा गई देखा है मैंने। देख नैना जो हुआ उसे भूल जा, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर एक नए पल के साथ। अगर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए आई डोंट नो, बट अगर शादी उसका सलूशन है मम्मा तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। मालू? शीतल बेटा मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोलिए। बेटा अब मुझे बता कि मालविका के यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ? बाबा उसके माँ और बाबूजी के बीच झगड़ा हुआ और फिर सब कुछ। क्या झगड़ा इतना सीरियस था? हाँ बाबा, उस वक्त मैं वहीं थी और वो मोमेंट ही कुछ ऐसा था ना बाबा कि। नहीं बेटा मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि मालविका अपने बाबूजी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा रही है। हाँ बाबा वो। लेकिन
अपने बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? हाँ अंकल, मैं जानती हूँ ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये कदम उठाना जरूरी है। बेटा ये बात गलत है, घर के मामलों को इस तरह बीच चौराहे पर लाना ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है, और मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बाबूजी के एटीट्यूड की वजह से हुआ है, और इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए तो। लेकिन बेटा बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? मानो दरअसल बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझाया जा सके। नो, आई कांट डू इट, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तू चल रही है मेरे साथ? बेटा इतना ही जरूरी है, जा। थैंक यू अंकल, बाय बाबा। मिस्टर रणवीर। यस। हम आपको चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी किस बात की? आपकी बेटी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि आप अपनी पत्नी को फिजिकली असल्ट करते हैं। वैसी? अगर आप चाहें तो मैं ये कंप्लेंट वापस ले सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलकर माँ से माफी मांगनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कार्रवाई करने आए हैं प्लीज गो अहेड। बाबूजी अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ मूठ की कंप्लेंट की है तो आप गलत है, यू आर रॉन्ग। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर को लेके आओगी और मैं डर जाऊंगा तो तुम बेवकूफ हो। यानी कि आप माफी नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर तो आपको लीगल एक्शन फेस करनी पड़ेगी। मालविका, तू अभी अपने बाबूजी को नहीं जानती, इससे पहले कि वारंट ऑर्डर इश्यू हो बेल के कागज मेरे घर आ जाए। तो फिर आप अपनी बेटी को भी नहीं जानते। मैं आपसे माफी मंगवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जा, 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 जा। नैना की हालत ऐसी है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी शादी के बाद कहीं वहीं रहने का तो प्लान नहीं है तुम्हारा? अरे पूछ रही हूँ, इतने घुर घुर के क्या देखते हो? ये तो बाद में पता चला कि वहां से फोन आने लगे कि गोविंद मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, चले आओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब ठीक है, लेकिन गोविंद तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसकी भी शादी करा दो। क्या? हाँ शादी करा दो उसकी भी। अरे उसके लिए कोई भी लड़का मिल जाएगा, मैं ढूंढती हूँ उसके लिए लड़का। अरे लड़का क्या, उसके लिए तो आदमी ढूंढना पड़ेगा। रोना प्लीज स्टॉप इट। क्यों बुरा लगा? गोविंद मैं देख रही हूँ तुम दोनों नावों पे पाव रखना चाहते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब रहते यहाँ हो मगर सारा ध्यान वहीं लगा रहता है तुम्हारा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है? अरे ये अच्छा है कि मैंने तुम्हें दांतों तले दबा रखा है, नहीं तो तुम ना इधर के रहते ना उधर के। नैना की शादी मेरी जिम्मेदारी है, बस एक बार उसकी शादी हो जाए फिर मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? ये किसकी शादी की बात हो रही है मम्मी? अरे तुम्हारी बहन है ना नैना, उसकी शादी करा रहे तेरे पापा। अच्छा? हाँ, अरे बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। कौन मामा? तुम जानती हो उसे? अमित। अमित? इंस्पेक्टर साहब प्लीज अरेस्ट माय फादर। आई एम सॉरी मिस मालविका, मैंने गिरफ्तार नहीं कर सकता, इनके पास वेल ऑर्डर है। आज तो आपने बाजी जीत ली बाबूजी, लेकिन ये याद रखिए कि ये बाजी आपने पावर और पैसे के बल पे जीती है। सच्चाई आपकी तरफ नहीं है, सच्चाई मेरी तरफ है। ये जंग सच और झूठ की नहीं है, ये जंग है एक बेशर्म बेटी की अपने बाप के खिलाफ। बेटी को बेशर्म बनाने में किसका हाथ है, किसने मजबूर किया? हाँ चलो जाओ यहां से और बहस नहीं करो, और अपनी मां से कह देना कि मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, और अगर उसे चुपचाप यहां आना है
तो आ जाए, वरना मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, अब तक तब तक माँ इस घर में नहीं आएंगी जब तक आप माँ से माफी नहीं मांग लेते। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं सच हूं और सच्चाई की ही जीत होगी। सच्चाई की जीत, पहली बाजी तू हार गई और जिद नहीं छोड़ रही है, है ना अपनी माँ की तरह। बाबूजी, मुझे मेरी पहली हार मंजूर है, लेकिन अब ये याद रखिए, मैं अपनी माँ का सम्मान वापस हासिल करके ही रहूंगी। सुन